एक और एक साहब ने सवाल पूछा है, इनकी ये स्टूडेंट है एआई ऑप्स के, इन्होंने 25% कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और ये कहते हैं मैंने कोर्सेज जो है प्रैक्टिकल कोर्सेज है जैसे कि बैश है, पाइथन है, RHEL वगैरह जो है इसको कंप्लीट कर लिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा भूलने लग गए हैं ये ड्यू टू लैक ऑफ रिविजन, और उसको दोबारा पलट के नहीं देख रही है। ये पूछ रहे हैं कि जब मैं इसमें लैब शुरू कर दूंगा, ठीक है, तो क्या इसकी रिविजन खुद ब खुद हो जाएगी या मुझे सेपरेट प्लान बनाना पड़ेगा रिविजन की रूटीन के लिए, बहुत अच्छा फॉरगेटफुलनेस से सवाल, फेयरफुल है। हाँ बहुत अच्छा सवाल है। हमने जो लैब्स है ना, उन लैब्स को इन्हीं कोर्सेज के कंबाइन करके बनाए। उस लैब के अंदर जैसे एक लैब आएगी, तो मैं उसमें पाइथन तुम करोगे, खाली 10-15 लैब्स हैं और AI ऑप्स के अंदर। फिर तुम्हें 10-15 लैब्स मिलेंगी बैश के ऊपर, वो तमाम कॉन्सेप्ट तुमने कर लिए। फिर तुम्हें नेक्स्ट जाओगे तो वो जो पाइथन और बैश है ना, उनके कॉन्सेप्ट को मिला के लैब मिलेगी, 10 मिलेंगी। फिर पाइथन बैश और पाइथन सिलीनियम को मिला के एक लैब मिलेगी, फिर पाइथन बैश सिलेनियम और इसके बाद क्यूबरनेटीज को मिला के एक लैब मिलेगी। यानी कि तुम्हारा रिविजन वैसे ही होता रहेगा। हाँ अलबत्त ये जरूर है कि उसमें हम तुम्हें बताएंगे तुम्हें ये कमांड रन करनी है, ये चीज रन करनी है, ये चीज करना है, ये हम तुम्हें सब चीजें बता रहे हैं, तुम उसको देख कर उसको रेप्लीकेट करोगे, उसको देख कर रेप्लीकेट करोगे बार बार, ठीक है ना। और उसकी अपनी पूरी जर्नी की वीडियो रिकॉर्ड करके हमें कि मैंने ये लैब पूरी कैसे कंप्लीट की, कहाँ कौन सा कमांड रन किया, तुम्हें ये सब कुछ करना है। सो यू नीड अ नॉर्मल माइक एंड योर PC, ठीक है ना। ओपन सोर्स तुम्हारी एप्लीकेशन, तुम्हें बता देंगे तुम कौन कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो की एडिटिंग की, सब स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तुम करो और देन डू दैट। सो वी आर असिस्टिंग यू एवरी स्टेप ऑफ द वे, बट तुम्हें रिविजन करने की जरूरत नहीं है। योर कॉन्सेप्ट विल बी री इन्फोर्स्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। हाउ एवर इट इज गुड टू हैव चीट शीट्स। चीट शीट्स क्या होती हैं? चीट शीट्स होती हैं बड़ी अच्छी, मैं तुम्हें चीट शीट अपनी दिखाता हूँ। ये अरेबिक अनलॉक के नाम से एक बुक है, बड़ी अच्छी, बड़ी जबरदस्त। ये चीट शीट है। क्या है चीट शीट? इसके अंदर इन्होंने कुरान के अंदर अगर तुम्हें 75% वर्ड्स ऐसे हैं कि अगर तुम्हें वो, अगर ये टोटल वर्ड्स है ना 250 हैं, तकरीबन 250 के करीब वर्ड्स हैं, अगर तुमने 250 वर्ड्स कर लिए, ठीक है ना, तो तुम्हें टोटल 300 वर्ड्स हैं, 300 वर्ड्स। अगर तुमने 300 वर्ड्स कर लिए, ठीक है, तो तुम्हें 75% कुरान समझ आ गया, 75%। बाकी जो 25% कुरान है वो तकरीबन 1300 से 1400 वर्ड्स बनते हैं, समथिंग 1300 से 2000 के करीब वर्ड्स बनते हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। मुझे सही नंबर याद नहीं आ रहा क्योंकि रोजा रखा हुआ है ना, तो थोड़ी सी मेमोरी नीचे हो जाती है, क्योंकि वो नहीं होता ना कि मेरे सामने रखा हुआ तो मैं तुमको बताता, क्योंकि पढ़ने की जगह है मेरी, ठीक है ना। तो द पॉइंट इज के यू हैव टू हैव यू नीड टू कीप अ चीट शीट। मैं चीट शीट खुद देखता हूँ, देखता रहता हूँ ताकि मिस मिस ना हो ना। अगर कोई मेरे सामने आयत पढ़े, कुछ पढ़े, तो आई नो द ट्रांसलेशन। अगर मेरे सामने कुरान पढ़ा जा रहा है, आई नो द ट्रांसलेशन। सो फॉर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है ना। मैं रोजाना आधे घंटे से 40 मिनट इस फाइल को खोल के देखता हूँ, आई नो ऑल द वर्ड्स, अल्हम्दुलिल्लाह। सो अगर मेरे सामने आयत पढ़ी जाती है, आई नो। बाकी जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं उसके लिए एक अलग फाइल है, वो मैं अलग से देखता हूँ, ठीक है। सो यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम इन योर सेल्फ, इन योर रिलीजन, इन योर स्टडीज, इन योर वर्ल्डली एजुकेशन, इन योर हेल्थ एज वेल, ठीक है ना। फिट भी रखना, सब कुछ करना, दीज आर ऑल द थिंग्स यू हैव टू डू ऑल ऑफ दिस, ठीक है। बट क्रिएट चीट शीट फॉर योरसेल्फ, इट्स इज गोइंग टू हेल्प यू आउट।